हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम मदिया खान योर फ्रेंड हु इज हेयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा बच्चों आप इन्हें जानते हो क्या hmm? क्या आप इन्हें जानते हो ये कौन है नाम छुपा लूँ मैं <laughs> बताओ जल्दी से छोड़ो ठीक है मैं ही बताती हूँ ये है नेल्सन मंडेला ठीक है नेल्सन मंडेला ठीक है ये कौन थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ठीक है साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ठीक है तो इन्होंने क्या इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है इनके बारे में है ना ठीक है इसके देखो ऑथर भी कौन है खुद यही है नेल्सन रोलीलैला मंडेला इनका पूरा नाम है आप सिंपल नेल्सन मंडेला बोलो ठीक है तो इस चैप्टर में क्या है देखो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ठीक है बहुत स्ट्रगल बहुत काफी लंबे संघर्ष के बाद आजादी मिलना स्वतंत्रता मिलना तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि नेल्सन मंडेला जो है ना क्या बन चुके हैं एक प्रेसिडेंट पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ब्लैक प्रेसिडेंट क्यों बोल रही हूँ मैं क्योंकि क्या होता था इससे पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन था वहां पे ठीक है बहुत डिस्क्रिमिनेशन था ऐसे कि बस वाइट लोग अलग काले लोग अलग ऐसे होता है ना अभी चल रहा था बीच में ब्लैक लाइफ मैटर वैसा ही सीन की बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था जाति और इन सब चीजों में भेदभाव होता था तो इनके साथ भी पहले बहुत बुरा हुआ इनको जेल भी हुई ठीक है जेल भी हुई इनके साथ बहुत गंदा बिहेव भी करा गया मारा भी गया इनको ठीक है तो जब ये ना प्रेसिडेंट बनते हैं ना वहाँ के वहाँ के तो ये देखते हैं कि यार अब तो लोग ऐसे आ रहे हैं मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अच्छा लग रहा है बट ये वो चीज भी फील करते हैं कि पहले इन्होंने कितना खराब किया हमारे साथ और हमारे जो भी पूर्वज वगैरह हैं उनको इतना गहरा जख्म दिया जो काफी टाइम लगेगा भरने में ठीक है तो आ जाओ चैप्टर शुरू करते हैं बता दिया मैंने ये है नेल्सन मंडेला ठीक है साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चलो स्टार्ट करते हैं। मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ठीक है जब वो बन चुके थे उसके बाद की स्टोरी है यहाँ पे ठीक है नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल मिस्टर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन्ट टू फिफ्टी टू ऑफ दी फोर हंड्रेड सीट इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री ठीक है तो अब वो क्या है पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं कम से कम 300 साल की वाइट रूल के बाद सेंचुरीज का मतलब क्या हुआ हंड्रेड इयर्स ठीक है और थ्री सेंचुरीज 300 साल ठीक है 300 साल के बाद जाके वहां पे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था ठीक है जिसमें उनकी पार्टी का नाम क्या था ए एन सी नेशनल कांग्रेस ठीक है तो उन्होंने 400 में से कितनी सीट्स जीती थी 252 252 सीटें जीती थी तो वो जाके क्या बने थे प्रेसिडेंट ठीक है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर इन प्रिटोरिया देखो ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो कहाँ हुई थी ठीक है इनॉग्रेशन होना उद्घटन होना ठीक है तो वो कहाँ हुआ था वो हुआ था यूनि यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में कहा इन प्रिटोरिया ठीक है है क्लियर टुडे बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन वन फोर्टी कंट्रीज अराउंड वर्ल्ड नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस ऑपरेशन ऑफ वन बाय सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस ठीक है अब क्या हो रहा है कि 140 देशों के नेता जो भी पॉलिटिशियंस थे डिग्नेटरीज ठीक है फेमस लोग है ना ये सब 140 से ज्यादा कंट्रीज के वहां लोग लोगों ने ये चीज अटेंड करी थी और जब वो एड्रेस कर रहे हैं नैलसल मंडेला जब वो बात कर रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि कभी भी नहीं अब कभी भी नहीं कोई किसी से दबेगा या किसी से कोई प्रॉब्लम फेस करेगा ठीक है जुबिलेंट सीनील भरा माहौल वहां था पूरी प्रिटोरिया की जगह पे गलियों में हर जगह ठीक है और उनमें सब लोग थे ब्लैक्स भी थे व्हाइट भी, भी थे और हर कलर के लोग थे सिंपल बात में सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे मोर all साउथ अफ्रीकन मैन danced एंड joy. ऑफ ऑल रेसेस का मतलब ये नहीं दौड़ लगाना है ना रेसिस होता है जाति रंग रूप जाति ये सारी चीज है तो हर जाति के लोग वहां पे साथ में sang गा रहे थे और डांस कर रहे थे क्लियर देख लो एक बार नेक्स्ट आप देखो इनोग्रेशन का टाइम था उसमें क्या क्या चीज हुई बेसिकली ठीक है ना इस चैप्टर में की बात हुई है ठीक है में ब्राइट एंड क्लियर इनोग्रेशन द इनोग्रेशन शुड वट बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल ठीक है अब क्या हो रहा था काफी पिछले काफी दिनों से जो नेल्सन मंडेला है उनको सब विशिष्ट होना होना होता है एक तरीके से घेर लेना आप सपोज करो कोई फेमस सेलिब्रिटी है उसके पास कैसा होता भीड़ रहती है सब उससे बहुत प्यार से बात करते हैं बहुत प्यार से उनको ग्रीट करते हैं तो वैसा ही कुछ जो है नेल्सन मंडेला के साथ हो रहा था कुछ दिन पहले से ठीक है और कौन थे ये लोग जो इनोग्रेशन के लिए आए थे द इनोग्रेशन जो था इनोग्रेशन जो था सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग होगी ठीक है साउथ अफ्रीकन सॉइल पे सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग इतने सारे कितने मोर देन वन फोर्टी कंट्रीज ठीक है तो कितनी लार्जेस्ट हुई है ना द सेमनीस टू प्लेस इन द लवली सेंट स्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया ठीक है ये बार बार आ रहा है बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट ठीक है

ठीक है तो किसकी थी वाइट सुप्रीमेसी की नाउ इट वॉज साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट ठीक है पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल कोई जाति वगैरह का कोई कलर का रूप का रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं था ठीक है अब जाके ये चीज हुई थी रेनबो क्यों बोला गया अलग अलग कलर के लोग ठीक है ऑन दैट लवली ऑटम डे ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जनानी ठीक है अब नेल्सन नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या है जनानी ठीक है तो वो भी थी उस दिन ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट वन इन एज प्रेसिडेंट ठीक है पोडियम पोडियम क्या होता है देखो मैं बताती ये चीज ये है ना ये चीज होती है पोडियम ठीक है जिसपे आप खड़े होकर स्पीचेस देते हो ये जो वुडन चीज होती है या वुडन जरूरी नहीं है ठीक है ये होता है आपका पोडियम तो इस पे पहले सबसे पहले किसने क्या कहते हैं उसको प्रथा लेना शपथ लेना सबसे पहले किसने शपथ ली उसपे डी क्लर्क ने कैसे सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ठीक है आफ्टर हिम थाबो एम्बे वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ठीक है और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की शपथ किसने ली थाबो एम्बे ठीक है इन जो नाम है ना

ठीक है जब उनकी टर्न आई तो उन्होंने क्या किया प्लेस्ड प्लेस्ड करना प्रॉमिस करना उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल ऑबे भी करूँगा और उसके अलावा ठीक है तो जब उनकी टर्न आई तो उन्होंने प्लेस्ड प्लेज मतलब प्रॉमिस किया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स रेगुलेशन ऑबे भी करूँगा और साथ में ये जो चीज़ है ना जो ये नॉन रेशनल डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज आई है अब इसको रखूंगा इसको पकड़ कर रखूंगा ठीक है और फिर उन्होंने ये स्पीच दी टूडे ऑल ऑफ अस डू बायर प्रेजेंस ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी ठीक है उन्होंने क्या बोला कि हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए लिए ये देखने के, लिए के जो एक नई लिबर्टी आई लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम स्वतंत्रता ठीक है ना वो सब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसलिए आज हम इकट्ठा हुए आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग अब यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला गया जो ये चल रहा था डिस्क्रिमिनेशन उसको बोला गया है जिसकी वजह से बहुत तबाही भी हुई बहुत लड़ाइयाँ भी हुई ये सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या बोला गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ठीक है जो बहुत टाइम से चल रहा है मस्ट बी बॉन्ड आ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड ठीक है और अब जो आया है ठीक है अब जो चीज़ आई है उससे हर कोई प्राउड फील करेगा वी हुर आउटलॉज

क्या कर दिया गया था हुवर आउटलॉस हमें अपराधी माना गया था है ना आउटलॉस अपराधी मानना है ना नॉट फॉर लॉन्ग हो ज्यादा टाइम पहले नहीं ठीक है मतलब जब ये जो चल रहा है इनका जो प्रेसिडेंट बने इससे थोड़े टाइम पहले की बात करें कि अभी तक भी है ना अपराधी माना जाता था हमें आज हमें स्पेशल क्या दी गए है? हैं प्रिविलेजेस दी गए हैं ठीक है इस वर्ल्ड के होस्ट होने के ठीक है अब क्या है सारी की सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन रिप्रेजेंट करेगा अब साउथ अफ्रीका को नेल्सन मंडेला तो कह रहे हैं कि पहले हमें अपराधी माना जाता था और आज हमें इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया गया है ठीक है तो वो सबको थैंक करते हैं कि आप आए ठीक है और ये एक कॉमन विक्ट्री है एक जीत है सबके लिए ठीक है न्याय की जीत है शांति की जीत है ठीक है

ठीक है सफरिंग डेप्रीवेशन डेप्रीवेशन किसी कोई चीज से वंचित रहना ठीक है सफरिंग जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं जेंडर से या फिर कलर से या जो भी डिस्क्रिमिनेशन जो भी भेदभाव हो रहा है उससे नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनादर सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका ठीक है ये उनकी स्पीच थी उन्होंने बोला कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी को दबाएगा या किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन फेस करेगा ठीक है गॉड ब्लेस अफ्रीका ये उनकी स्पीच थी क्लियर आ जाओ नेक्स्ट अब देखो इसमें बीच में क्वेश्चन आंसर्स थे तो वो देख लेते हैं जितना अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे हैं ये ठीक है थीके? ताकि आपको क्या रहेगा रिवीजन भी हो जाएगा आपका आपका याद भी रहेगा

और रेड फोर्ट ठीक है ये कहां से बनी हुई है सेंट स्टोन से बनी हुई है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कैन यू से हाउ मे इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका ठीक है आ जाओ वापस देखो टेंथ में और ऑन दैट लवली ऑटम डे है ना यही पढ़ा हमने इनोग्रेशन कब था टेंथ में और उसको उस दिन कौन थी उनके साथ उनकी डॉटर भी थी इस दिन ऑन दैट लवली ऑटम डे ठीक है तो मतलब ऑटम का ही सीजन चल रहा था और वो दिन ऑटम का ही था ठीक है साउथ अफ्रीका इज इन दिस सदर्न हेमिस्फीयर मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन द 10th मे इज एन ऑटम डे ठीक है साउथ अफ्रीका कहाँ पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है ना तो वहां पे क्या होगा अभी मई में ऑटम ही चल रहा होगा क्लियर At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? ठीक है starting में उन्होंने क्या बोला था किस बारे में बात कर रही थी extraordinary human disaster जिसकी वजह से बहुत problems हुई ठीक है उसकी उसका क्या मतलब है और उन्होंने जो last में बोला है glorious human achievement इसका क्या मतलब है तो by extraordinary human disaster मंड उथ एफ्रीका ठीक है अपार्टाइड 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 यही है जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव चल रहा था ब्लैक व्हाइट के बीच में और दूसरी चीजों के बीच में है ना जो जो भी भेदभाव चल रहा था उसको हम क्या बोलेंगे अपार्थाइड ठीक है तो उसको ही उन्होंने क्या बोला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ड्यूरिंग दिस अ रेशियल सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन होना अलग अलग होना होना सेपरेट बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक और जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या हुआ उन्होंने बहुत सफर किया इस चीज में उन्होंने बहुत संघर्ष किया दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड मेनी ईयर्स ऑन इन फेमस रॉबन आईलैंड एज अ प्रिजनर वेयर ही वॉज बीटन मर्सीलेसली ठीक है तो उनको कोई भी ना तो कोई उनके पास राइट था स्वतंत्रता का ना उनके पास किसी और चीज का राइट था मंडेला खुद भी एक प्रिजनर की तरह रहे थे और खूब पीटा जाता था उन्हें भी ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर दी ब्लैक्स फॉर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींगस एंड वर ट्रीटेड बैडली अब उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट किसको बोला है कि देखो आज वही बंदा वही लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट पे खड़े हैं उसको उन्होंने क्या बोला ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ठीक है जिन लोगों को कभी ह्यूमन भी नहीं माना जाता था इंसान भी नहीं माना जाता था ठीक है मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर इंटरनेशनल लीडर्स को मंडेला ने शुक्रिया क्यों बोला मंडेला फेल्ट वेरी प्रिवलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एज द स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीका वर वंसिडर्ड आउटलॉज ठीक है साउथ अफ्रीक वर कंसिडर्ड आउटलॉस ठीक है उसको बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई इतने दूर दूर के कंट्री से लोग आए हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए इनोग्रेशन के लिए मुझे इतनी रेस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है कि हम ही लोगों को अपराधी माना जाता था हम ही लोगों को गंदा ट्रीट किया जाता था ठीक है ही इन सेरेमनी बिकॉज ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस दिस्टोरिकल सेरेमनी

क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आइडियल्स दस नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी डिप्राइवेशन एंड सफरिंग ही आल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ठीक है ना नेल्सन मंडेला ने क्या किया आते क्या क्या आइडियल सेट किए उसने क्या कहा कि अब कोई गरीबी नहीं होगी ठीक है कोई अन्याय नहीं होगा किसी के साथ सबको न्याय मिलेगा कोई सफर नहीं करेगा कोई किसी चीज से वंचित नहीं रहेगा उसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि जो सोसाइटी है, इसमें किसी तरीके का भेदभाव नहीं होगा जाति रूप किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा क्लियर चले आगे आ जाओ फ्यू मोमेंट्स लेटर लेटर दे ऑल लिफ्टेड देयर आइज इन एज अ

चीज की एक फीलिंग ठीक है अब वो डर भी हो सकता है कुछ तो यहाँ पे क्या फीलिंग थी खुशी की फीलिंग थी तो जैसे ही वो वो सब ऊपर देखते देखते हैं तो वो क्या देखते हैं तो क्या कि साउथ अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप्स हैं ये सब एक परफेक्ट फॉर्मेशन में आसमान में है देखो ये होता है ना ये इस तरीके से समझ लो ये जो फॉर्मेशन है ना इस तरीके की बात हो रही है यहाँ पे इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रसिशन

The highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted him and pledged their loyalty. ठीक है जो भी highest generals the police thi jo bhi defence jo bhi members the ठीक है जिनके क्या bedecked होना सजावुआ किस चीज से होता है ना ribbons और medals से सजे हुए होते हैं उनके chest है ना तो वो लोग आके क्या करते हैं Nelson Mandela को salute करते हैं और अपनी loyalty pledge करते हैं। The day was symbolized for him by the playing of their two national anthems, and the vision of whites singing "Kosi Sikileli Africa" and blacks singing "Die Stem," the old anthem of the republic. ठीक है, अब ये जो दे था ये उसके लिए ही था। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया? दो national anthems गाए गए, ठीक है, एक तो क्या था "Kosi Sikiliy Africa" और दूसरा क्या था "Die Stem"। ठीक है, और साथ में ये vision, white people और black people। साथ में है ना साथ में गा रहे हैं ठीक है ऑल दो दैट डे नी द ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज ठीक है और यहाँ क्या हो रहा था दोनों ही ग्रुप जो हैं उनको लिरिक्स भी नहीं पता थे उसके है ना क्यों कभी वो इन एंथम से नफरत करते थे डेस्पाइज डिस्पाइज नफरत करना ठीक है नेक्स्ट

हिस्ट्री से कि पहले क्या क्या हुआ ठीक है वो चीज उसके ऊपर हावी होने लगती है वो सोचने लगता है कि क्या होता है ठीक ठीक है है एक फीलिंग होना इस तो वो देखता है कि भाई पहले डिकेड में ट्वेंटी सेंचुरी के पहले डिकेड में पहले दस सालों में डिकेड होता है दस साल ठीक है दशक ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी के पहले डिकेड में दस सालों में ठीक है फ्यू इयर्स आफ्टर बिटर एंग्लो एंड बिफोर बर्थ उसके पैदा होने से पहले भी जो स्किन भीशन ठीक है उन्होंने क्या किया खुद को ऊंचा बताना शुरू कर दिया ऊंचा बताना शुरू किया रेशल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम खड़ा कर दिया क्लियर द स्ट्रक्चर

इंसानों जैसा तो बिहेव ही नहीं करते थे ये सारी चीजें ठीक है नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी अब आखिरी दस सालों में ट्वेंटी सेंचुरी के एंड ओन एट डिकेड का मतलब अस्सी साल ठीक है तो नेल्सन मंडेला कितने साल के थे जब वो प्रेसिडेंट बने एट्टी ईयर ठीक है एंड इज ओन एट डिकेड एज अठ डिकेड आठ दशक अस्सी साल

ठीक है कोई कलर नहीं देखा जाएगा उनको सबको इक्वल राइट्स हैं सबको इक्वल फ्रीडम है ठीक है तो ये सब चीजें वो उस वक्त सोचने लग जाते हैं दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू दी अन इमेजिनेबल सेक्रीफाइसेज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इस पीपल पीपल सफ़रिंग एंड एनकरेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड ठीक है तो अनइमेजिनेबल हम सोच भी नहीं सकते इतने सेक्रीफाइसेस किए उन लोगों ने ठीक है इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस और इतना ज्यादा हिम्मत थी उनके अंदर वो चीज़ ना तो कभी काउंट की जा सकती और ना कभी उसकी भरपाई की जा सकती है ही फेल दैट डे एज ही हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट ही वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज एफ्रीकन पेट्रियॉर्ड्स हु हैड गॉन बिफोर मी दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी

क्या हूँ सम हूँ ठीक है दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाव बिगिन अगेन विद मी ठीक है वो जो एक लाइन थी उन पेट्रियोट्स की वो एंड भी मुझसे हो रही और शुरू भी मुझसे ही होगी ठीक है ठीक है उसको दर्द हो रहा था इस चीज का कि वो उन लोगों को उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता था कि देखो वो देख नहीं सकते थे आपकी उनके जो सेक्रीफाइसेस है ना वो क्या ले आए हैं ठीक है ठीके? उनका वो जो सेक्रीफाइस था उसके वजह से आज हम कहा खड़े हैं दे कांट सी दैट और ये चीज उसको क्या हो रहा था दर्द महसूस हो रहा था इस चीज का द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग इन कंट्री एंड हिज पीपल ऑल ऑफ देम विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट ठीक है और ये जो अपार्टाइड ने जो मतलब जख्म दिए है ना इनको वो इतने गहरे और इतने लंबे थे कि वो इतनी जल्दी नहीं भर सकते ठीक है ये सिंपल उसको ये सब ख्याल उसके माइंड में आ रहे थे उस टाइम बट द ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी है अन इंटेंटेड इफेक्ट एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस दी ऑल इवर टोज द सिसुलू द चीफ लुथली द यूसुफ दाडू द ब्राम फिशर्स एंड द रॉबर्ट साबू क्यू ऑफ आर टाइम ठीक है बट अगर ये ऑपरेशन नहीं होता ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो क्या हमें ऐसे पैट्रियोट्स मिलते ठीक है ये सब उसके माइंड में चल रही चीजें वो ये सब चीजें सोच रहा है कि क्या हमें फिर ऐसे लोग मिलते ठीक है मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज इतनी हिम्मत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत इतनी हिम्मत कि डरते नहीं थे अपने हक के लिए लड़ते थे खड़े रहते थे ऐसे लोग ठीक है Like ठीक है और ऐसे नहीं लगता कि ऐसे लोग कभी दोबारा देखने को मिलेंगे पर है बट इसका मतलब इन्होंने कितनी ऐसी मुश्किलें देखी होंगी कि इतने बहादुर लोग थे ये है ना कितना इन्होंने सहा होगा कितना इन्हें फील हुआ कि नहीं हमें अपने लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा ठीक है His country is is rich in the the minerals and and that that lie beneath its 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 soil, but he have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. होंगे खूब हीरे जवाहरात भी होंगे लेकिन उसके लिए वो कंट्री क्या थी उसके लोग ठीक है जो कैसे थे प्योर डायमंड से भी ज्यादा सच्चे और प्योर ठीक है क्लियर चलो आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की स्टोरी और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ठीक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय हैव नाइस डे।